तो 3-1, 3 बीजेपी, 1 शिवसेना, एनडीए 4, महाराष्ट्र का आंकड़ा ये कहता है इस एनडीए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और अन्य, राजीव जेटली हमारे साथ बीजेपी के, जेटली साहब हरियाणा से आप खुद आते हैं, महाराष्ट्र में एक जगह कांग्रेस आगे हो गई, एक जगह कांग्रेस आगे हो गई है। मैं आपका रुख करता हूँ राजीव जेटली, हरियाणा के अंदर एक इंडिपेंडेंट का खाता खुला है, एक कांग्रेस का खाता खुला है, आपका फिलहाल खाता नहीं खुला। कहीं इंडिया माय एक्सिस का एग्जिट पोल अगर सच हो गया तो गेम हो जाएगी आप लोग। कोल्हापुर दक्षिण से कांग्रेस आगे चल रही है, ये अभी खबर है जी। राजीव जेटली 30 सेकंड, नागपुर से सीएम आगे चल रहे हैं, सीएम फडणवीस आगे चल रहे हैं नागपुर से, ट्रेंड आया अभी। सीएम है ये, राजीव जेटली की बात चले जाते हैं। राजीव जेटली हरियाणा पर आप कटे, लगता है राजीव तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन तो अभी तक की जो सीटें वो एक बार फिर देख लेते हैं। खरखौदा हरियाणा से कांग्रेस आगे चल रही है, जयवीर वाल्मीकि आगे चल रहे हैं, शिरडी महाराष्ट्र में राधाकृष्ण विखे पाटिल बीजेपी के आगे चल रहे हैं, कोल्हापुर दक्षिण महाराष्ट्र में ऋतुराज संजय पाटिल आगे चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट से आगे चल रहे हैं। एनडीए का आंकड़ा 6 हो गया, आशीष देशमुख कांग्रेस के पीछे हैं, उनसे माहिम की सीट पर सदा सरवणकर आगे चल रहे हैं, शिवसेना के नागपुर दक्षिण पश्चिम पर देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं जैसा हमने बताया, और आशीष देशमुख जो है वो पीछे चल रहे हैं। 6 एनडीए, 1 यूपीए, ये अभी तक का आंकड़ा है। हरियाणा में पुंडरी में कांग्रेस के सतबीर सिंह पीछे चल रहे हैं, शिरडी महाराष्ट्र में राधाकृष्ण विखे पाटिल जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए वो आगे चल रहे हैं, 6-1 का आंकड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है, और उधर हरियाणा में एक अन्य कांग्रेस हरियाणा में अभी बीजेपी का खाता नहीं खुला है। जी अमर सत राजीव जेटली अगर है 7-1 हो गया महाराष्ट्र, 7 महाराष्ट्र अब 7-1 हो गया है। मेरे साथ नीरज है, मैं नीरज से सीधा रुख करता हूं। नीरज क्या अपडेट आपके पास, लेकिन उससे पहले अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं जो है एनडीए की नीड है जी। 9-1 बीजेपी, जामनेर से एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी, और रोहिणी खट से आगे चल रही है महाराष्ट्र में, रोहिणी खट से भी आगे चल रही हैं, उनका भी हमने देखा। तो हरियाणा में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, रोहिणी खट से मुक्ताईनगर से आगे चल रही हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से आगे चल रहे हैं, मालाबार हिल से मंगल ओडा बीजेपी के आगे चल रहे हैं, मुंबई सिटी से मालाबार जी। लेकिन इस समय अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति को देखें तो बीजेपी आप शिवसेना दो, ये है बाइफिकेशन एनडीए का। दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के नेता हैं। ये विश्वास है, एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है, 11 महीनों का जो संघर्षशील सफर है, आज हरियाणा बदलेगा, हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदयगा, और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की जो विधानसभा की जो चाबी होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। जी राजीव जेटली बताएगा कि जनता ने किस रुख अपना किया है, मगर मेरा ये मानना है जी, प्यार दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि जेजेपी के हाथ में